नमस्कार, मैं अपूर्णा विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। इटावा देश का सबसे ज्यादा चलने वाला दिल्ली हावड़ा रेलवे ट्रैक पर आज कई ट्रेनों का आवागमन रोक दिया गया है, जिसकी वजह से ट्रेन घंटों स्टेशनों पर खड़ी रही, जिसके यात्री परेशान दिखाई दिए। बताया जा रहा है कि इटावा जनपद के शामहो रेलवे स्टेशन के पास दिल्ली हावड़ा रेलवे ट्रैक पर पटरी टूट जाने की वजह से ट्रेनों को रोका गया है। जैसे ही सूचना रेलवे के अधिकारियों को मिली, वैसे ही रेलवे की टीम रेलवे ट्रैक के पास पहुँच गए और पटरी को जोड़ने का काम जोरों से चालू हो गए। इस दौरान राजधानी एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों को स्टेशन पर रोका गया। गनीमत यह रही कि यह रेलवे ट्रैक दिन में टूटा। अगर यह रेलवे ट्रैक रात में टूटा होता तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। लगातार रेलवे प्रशासन द्वारा लापरवाही देखने को मिलती है, जिसकी वजह से कई हादसे भी हो जाते हैं। लेकिन अगर यही रेलवे ट्रैक रात में टूटा होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। वही रेलवे प्रशासन की पूरी टीम रेलवे ट्रैक को जोड़ने में जुट गई है। इस इटावा से राहुल तिवारी की एक खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? अब्दुल सत्तार। ये गाड़ी आपकी क्यों खड़ी हुई, कितनी देर से खड़ी हुई है? 1 घंटा हुआ, पटरी टूट गई इसकी। कितनी देर से खड़ी हुई गाड़ी? 1 घंटा करीब। परेशानी नहीं हो रही आप लोगों को? परेशानी तो काफी है। आपने पता करने की कोशिश नहीं गाड़ी कितनी देर में चलेगी? वो कह रहे थे 1.5 घंटे लग जाए करीब। अच्छा, पटरी टूटने की जानकारी गाड़ी रुकने के बाद मिली है? गाड़ी रुकने के बाद हम लोगों को मिली है। ड्राइवर को सिग्नल से मिल गई होगी ना?